उनको बोलना चाहिए, इनको तो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए, बता नहीं रहे हैं और सब कुछ गायब रहे हैं। बाकी लोग कह रहा है इसको लेकर के तो कई दिनों से नलग कह रहे हैं भाई, वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है, इस पर तो कुछ बोलते नहीं है, तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते को कि सब लोगों ने तय किया है, वहाँ खतरा हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, और फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, आई सब बात हो गया और कल उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीजें होंगी, तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी ना, और बहुत तेजी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज तय होगा, जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी देश के हित में काम करेंगे तो सब एक एक चीज पर बात होगी। अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी क्या है, और उसके बाद उसी समय वो नया मीटिंग किए हैं। आपको पता है कब बना था? कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना, 19 में हम लोग साथ में थे और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आई बताइए तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं? हम लोग तो फिर वापस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में, तो 17 से लेकर के इधर बाद में कभी मीटिंग किए? तो अभी अपोजिशन ने चुकी बना दिया और मीटिंग शुरू किया तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं इसे ही। आपकी मुहिम को चाइना नम्मा ले रहे हैं, वो सब पार्टी का जरा कोई जानता है कितने तरह का नाम ऐसे ही ले रहा है, ऐसे ही है बिना मतलब। कितना लोग एकजुट हो रहा है कि जो लोग भारत के सब कुछ को, इतिहास को बदलना चाहते हैं, अब इतिहास नहीं बदलेगा, आजादी की जो लड़ाई है उसके बारे में एक एक तरह से मालूम होगा, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और जिस तरह से मीडिया का सहयोग लेकर के जो ये सब कर रहे हैं आजकल, तो पुरानी बातों को किसी को याद रखने देंगे? तो जितना चीज है तो नई पीढ़ी के लोगों को हम लोग कितना करवाए हैं, एक चीज बोलिए, आप जाकर के देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखाया, बापू ने क्या कहा, एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं, और कभी एक बार भी नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का नाम भी लेता है जी, आजादी की लड़ाई में हुआ। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रद्धेय वो ठीक करते थे, अभी आ गया है लोग तब 20-21 साल से तीनों का वहाँ राज किए एक राज्य में, अब फिर यहाँ 9 साल से 10वां चल रहा है, तीनों का तो एक अलग तौर तरीका है, ऐसा कभी नहीं था, देश के इतिहास को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है, आई बदलना चाह रहे हैं इसलिए तो हम अलग हो गए, और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को इधर, पुरानी चीजों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा, वो आजादी की लड़ाई में रहा नहीं, उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ। अब देखिए ना बिहार में कितना काम हम लोग किए, अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग कहता है देखो कितना अच्छा केंद्र का, अरे केंद्र से हो रहा है कि हम ही लोग कर रहे हैं सब, एक एक काम जो कर रहे हैं, जो हम यहाँ शुरू किए बहुत चीज तो उसको अपना एडॉप्ट किए अपना नाम लेकर, तो हम तो पैसा सब चीज में नहीं लगे हैं, हम लोग खुद ना कर रहे हैं, इसलिए सब चीज छोड़ दीजिए। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।